जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू धनालिया और मेरे चैनल का नाम है राधिका व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और ऊपर वाले की कृपा से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, दिन है आज संडे, तो संडे में रात में ही डिसाइड हो गया था सुबह मॉर्निंग में क्या बनाया जाए। तो आज हम लोगों ने लेडी फिंगर विथ पराठे बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह भी बन गई है और मैंने आटा गूंथ कर रख दिया है, दूध भी मेरा गर्म हो गया है और उसके बाद हम लोग पीते हैं गर्मा गर्म टी। तो यहाँ पे मैं अभी साहब का वेट कर रही हूँ, मेरी चाय वगैरह भी बन गई है, वो गए हैं मॉर्निंग वॉक पर और जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पे हम लोग दोनों चाय पियेंगे। और सुबह सुबह तो गई चाय, हम लोगों को इतनी हैबिट है कि हाँ चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हाँ, सुबह सुबह मॉर्निंग में पहले पानी लेते हैं लेकिन उसके बाद हम लोगों को चाय ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट आ गए हैं साहब और सर्व करते हैं चाय और फिर पी। तो गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी संडे है आज, तो यहाँ पे देखिए बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में दोनों को ही जल्दी उठाना पड़ा क्योंकि शाम की होती है संडे को एबेकस क्लास और कृष्णा का ट्यूशन होता है। तो यहाँ पे दोनों बेडशीट वगैरह निकाल दी हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन लगानी है और यहाँ पे बच्चों को उठाने में इतनी ज़्यादा लगता है कि बोल रहे कि मम्मा संडे है बट दोनों को ट्यूशन जाना है तो उठना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इन दोनों को उठाते हैं और आगे के काम करते हैं फिर शुरू। जो चीज साफ है मम्मी उसे भी फिर साफ कर रहे हो आप। डस्टिंग तो रोज ही करनी होती है बेटा। कर रहे हो क्या साफ आपका? हो गया वाला? हो गया। तो गाइस, आज संडे के दिन मैंने भी साहब को काम पर लगा दिया और आज फैन की डस्टिंग वगैरह करनी है, साफ करने हैं सारे फैन वगैरह। तो मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता बट इनकी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है मुझे, तो मैंने इनसे बोला तो इन्होंने सारे फैन बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। पापा मम्मी देखो डस्ट है, स्टार्ट ले। तो गाइस, हमने डस्टिंग करते करते फिर भी ये हालत हो, पता क्या। हमने को डस्ट से बहुत ज्यादा एलर्जी है, मतलब था फिर डस्ट दिख जाए बस साफ हो गया। हमने देखो इधर पड़ी है इसको, बस और गैस का टाइम हो चुका है अभी जाने का। सामान क्या खाओगे आप? तो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब मैं कर रहा हूँ नाश्ता। मशीन से थोड़ा पैर ऊपर कर लीजिए। Oh my God. मेरा संडे कितना फंडे जा रहा है आप देख सकते हो। तो गाइस, मैं कर रही हूँ वीडियो की एडिटिंग और मुझे आज संडे में वीडियो अपलोड करनी है, तो कृष्णा ने कहा कि ठीक है मम्मा आप कर लो, मैं पोछा लगा देता हूँ, इतने आज मैं दयाल मामा बन जाता हूँ। ये देख, मैं कर झाड़ू लगा दी इतनी गंदी है, डस्ट निकल रही है। ये चेयर ना इधर करके जब लगाओ बेटा उसके बाद, और यहाँ पे इधर दोनों साइड कोनों में भी। हाँ जी, यस, वेरी गुड। आज तो मेरे बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प कर दी भाई। चलो, इसका आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? गिफ्ट मिलेगा? यस। फाइनली सारा काम वगैरह सब हो गया है, होने के बाद अब हम नहाकर आ गए हैं। आने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी खाना खाएंगे और उसके बाद हमें कहीं जाना है शाम को, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। देखते हैं साहब हमें लेकर कहाँ जाते हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग दोपहर बाद मतलब 1-2 बजे रेडी हो जाना, फिर चलते हैं। तो चलो, आज इस व्लॉग का एंड तो यहीं पे करती हूँ और आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं साहब ने हमारे लिए क्या सरप्राइज किया है, कहाँ लेकर गए हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय श्री श्याम, राधे राधे। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।